मेरा नाम है गतिक शर्मा। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो को लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मैं आप सभी लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग भरी वीडियोज़ को ला सकूँ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास वीवो का एक मॉडल आया हुआ है। ये वीवो का Y21G का मॉडल है, Y21G मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें गूगल अकाउंट लॉक लगा हुआ है, FRP लॉक लगा हुआ है। मैं इसको आपको चेक करवा देता हूँ। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसी को आज हम अनलॉक करने वाले हैं। इसको अनलॉक करने के लिए आपको इसका CPU का डिटेल होना ज़रूरी है। CPU का डिटेल का वीडियो मैंने पहले ही बता दिया है। इसमें MediaTek का CPU लगा हुआ है, तो CPU का डिटेल जानने के लिए आपको गूगल पे जाना है, मॉडल नंबर लिखना है और CPU टाइप लिखेंगे तो आपको CPU का डिटेल आ जाएगा। उसके बाद अपने टूल को डाउनलोड करके अपने PC में इंस्टॉल कर लेना है और ड्राइवर को भी डाउनलोड करके अपने PC में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि इसमें MediaTek का ड्राइव CPU लगा हुआ है, तो उसका CPU का ड्राइवर डाउनलोड करके अपने PC में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अपने टूल को रन कर लेना है। मैं इसे UMT डोंगल से अनलॉक करने वाला हूँ, MTK सेटअप से। तो ये हमारा MTK सेटअप है, इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में रन कर देना है। रन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपने फ़ोन का पावर ऑफ कर लेना है, फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है, फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद अपने टूल पे जाना है। टूल में यहाँ आपको फॉर्मेट FS का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे रीसेट FRP पे क्लिक कर देना है। और ये न्यू सिक्योरिटी पैच का टूल है, तो न्यू सिक्योरिटी पैच का अपडेटिंग है, तो इसमें आपको PL पे इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ आपको मॉडल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपके पास जो भी ब्रांड है आप सिलेक्ट कर लें, ये वीवो का है तो मैं वीवो सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीवो सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ रीसेट FRP एग्जीक्यूट का ऑप्शन मिल रहा है, ये देखिए ध्यान से, इसी पे आपको एग्जीक्यूट कर देना है और अपने फ़ोन को कनेक्ट कर देना है अपने सिस्टम से। बिना बटन दबाए आपको कनेक्ट कर देना है, कोई सा भी बटन प्रेस नहीं करना है, बस कनेक्ट कर देना है अपने सिस्टम से। तो इसको कनेक्ट करने के बाद मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा डिवाइस कनेक्ट हो गया प्रॉपर तरीके से और इसका FRP अनलॉक हो रहा है। तो जिस प्रकार से मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके दिखाया उसी प्रकार से आपको फॉलो करना है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आप किसी भी सेट का पिन पैटर्न पासवर्ड और FRP आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। देखिए FRP रीसेट ओके होकर ओके लिखकर आ चुका है, हमारा सेट रिबूट हो चुका है ऑटोमेटिकली, तो हमारा सेट चालू हो रहा है। ये चालू हो जाता है तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने कितनी आसान तरीके से इसको अनलॉक करके दिखा दिया है। आपको अनलॉक करने के लिए CPU का डिटेल होना ज़रूरी है, तो आपको कोई सा भी मॉडल ब्रांड आता है आपको गूगल पे जाना है, अपना मॉडल ब्रांड टाइप कर देना है गूगल पे और CPU टाइप 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 कर देंगे तो आपको CPU की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपको डाउनलोड करके उसका USB ड्राइवर डाउनलोड करके अपने PC में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने टूल को रन कर लेना है और अपने टूल में जिस प्रकार से आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके दिखाया उस प्रकार से आपको फॉलो करना है। तो आप किसी भी सेट का पिन पैटर्न पासवर्ड और MI अकाउंट आप इजीली अनलॉक कर सकते हैं और अपने किसी भी डिवाइस को आसानी से फ्लैश कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप ना करें। तो देखते हैं इसका FRP अनलॉक हुआ कि नहीं। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए जो कि स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा था, सेटअप डिवाइस का ऑप्शन आ चुका है, सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन आ चुका है। तो देख सकते हैं हमने कितनी आसान तरीके से इसको अनलॉक करके दिखा दिया। इसको कंटिन्यू करेंगे, इसका FRP अनलॉक हो चुका है। इसको सेटअप कर लेते हैं हम। ये न्यू सिक्योरिटी पैच का मॉडल था, इसमें न्यू CPU लग न्यू अपडेट आ रखा है इसमें। तो मैंने आपको न्यू अपडेट कैसे अनलॉक करना है इजिली मैं आपको चेक करवा दिया UMT डोंगल से। आप किसी अदर टूल से भी अनलॉक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मैं आप सभी लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग वाली वीडियोज़ को ला सकूँ। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।